Next question, question says two uniform circular disks are rotating independently in the same direction around their common axis passing through their center. द मोमेंट ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर वेलासिटी ऑफ द फर्स्ट डिस्क आर पॉइंट वन किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड टेन रेडियन पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली वाइल दो फॉर द सेकेंड आर पॉइंट टू एंड फाइव रेडियन पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली एट सम इंस्टेंस दे गेट स्टक टूगैदर एंड स्टार्ट रोटेटिंग एज अ सिंगल सिस्टम अबाउट देयर कॉमन एक्सेज विद सम एंगुलर स्पीड सवाल है कानीटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम क्या होगा ना बहुत ही आसान सवाल है रोटेशन uh, का इसको ऐसे देखें कि एक डिस्क है आ, वो अपने एक्सेस पर ऐसे घूम रही है इसका एंगुलर मोमेंटम एल वन कह लेते हैं और इसकी ओमेगा ओमेगा वन है दूसरी एक डिस्क है वो आपकी आ, इसको ऐसे कह लेते हैं एल टू इसका एंगुलर मोमेंटम है और ओमेगा टू इसकी आ, हाँ एंगुलर वेलोसिटी है नाओ अब उसके बाद ये दोनों कंबाइन हो गई और दोनों एक साथ ऐसे रोटेट कर रही हैं इस केस में आपका क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सो एल फाइनल विल बी इक्वल टू एल इनिशियल नाउ, दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर होएगा विच मीन्स आई वन प्लस आई टू फाइनल ओमेगा विल बी इक्वल टू आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू अलग सो आई वन प्लस आई टू क्योंकि आपकी डिस्क है उसकी हमें वैल्यू दे रखी है वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू uh, अपने को पहले वाले डिस्क की दी है 0.1 uh, और 10 दूसरे वाले की हमें दी है 0.2 और 5 सो so, ये हो गया आपका फाइनल 0.1 पॉइंट प्लस 0.2 ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.1 पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई टेन प्लस ज़ीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव विच एम्पलाइज आपकी ओमेगा जो है ये आ गई दिस विल बी वन दिस विल बी वन यानी कि टू डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट थ्री और 20 बाय थ्री ये आपकी ओमेगा आ गई रेडियन पर सेकेंड तो ये आपकी फाइनल कॉमन ओमेगा आ जाएगी ना अब हमें यहाँ बताना है दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कम्बाइंड सो so, काइनेटिक एनर्जी कम्बाइंड जब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी टोटल वो होगी काइनेटिक एनर्जी वन प्लस काइनेटिक एनर्जी टू आ, दोनों की मिला के सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ आई वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले लेते हैं सो so, ये आएगा आपका हाफ आई वन प्लस आई टू ओमेगा स्क्वायर ये हो गया हाफ I1, I2 अपने को दिए हैं जीरो पॉइंट वन प्लस ज़ीरो पॉइंट टू और ओमेगा भी हमने कैलकुलेट किया ट्वेंटी बाय थ्री सो ये हो जाएगा ट्वेंटी बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी बाय थ्री तो ये अपनी जो वैल्यू बची हो गया ऊपर फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट थ्री सो फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इंटू थ्री सो so, uh, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये टू से टू कैंसिल होएगा ट्वेंटी जीरो उधर एक थ्री कैंसिल हुआ दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी बाय थ्री जूल सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर फोर ट्वेंटी बाय थ्री जूल वुड बी द राइट आंसर